हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इकॉन्स पिलानी। तो हमारी जो लास्ट बात हुई थी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक पे, हमने कंटिन्यूटी की कंप्लीट थ्योरी कर ली थी। उसके अलावा 5.1 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर ली थी। अब हमारी जो एक्सरसाइज है 5.2 वो बेस्ड है डिफरेंशिएबिलिटी पे, है ना। तो देखो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, एक्सरसाइज कौन सी हमारी 5.2। इस 5.2 की थ्योरी और एक्सरसाइज हम आज ही कवर करेंगे। तो देखो डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या, फॉर एग्जांपल अपने पास कोई फंक्शन है fx equal to sin x, तो कुछ इस टाइप का फंक्शन होता है, यही ग्राफ बनता है, यही सीखा था हमने। इसके किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो ये जो टेंजेंट की स्लोप जो होती है वो होती है मेरी dy by dx। मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैं कर दूं, जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो डिफाइन होती है या नहीं होती है। देखो इस पूरे ग्राफ के हर पॉइंट पे मैं कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, चाहे आप ये वाला पॉइंट ले लो, चाहे कोई सा भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, सही बात है। अब एक और ग्राफ का एग्जांपल लो, और आपको पता है जो fx equal to sin x ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। और अगर इस पूरे ग्राफ पे हर जगह टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है तो ये ग्राफ डिफरेंशिएबल भी है, ग्राफ डिफरेंशिएबल भी। मैं एक और ग्राफ की बात करता हूँ, ग्राफ है हमारे पास fx equal to x square, ठीक है, fx equal to x square वाला ग्राफ है, मतलब y equal to x square का ग्राफ है, इस टाइप का होता है। अब देखो यहाँ पे भी हर पॉइंट पे क्या टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ आराम से हो जाएगी, सही बात है। तो ये ग्राफ भी क्या है, कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। कहा है इन इन जो भी रेस्पेक्टिव डोमेन है इसका, इसमें कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों है। अब हम ऐसा ग्राफ देखने वाले हैं जो कंटिन्यूस तो होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, या फिर कंटिन्यूस ही नहीं होगा तब तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। देखो इस बात को ध्यान से समझना कि अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो मस्ट है कि वो कंटिन्यूस होगा। मे बी यहाँ पे मे बी लगेगा और यहाँ पे मस्ट लगेगा, सारे जितने भी कंटिन्यूस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो नहीं हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएबल मस्ट भी कंटिन्यूस होगा। अब कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कंटिन्यूटी तो होती है लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्राफ है fx equal to mod of x का। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, सही बात है, इसके भी हर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, सही बात है, लेकिन क्या इस पॉइंट पर एक सिंगल टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। देखो यहाँ पे तो मैं चाहे जितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, इजीली, तो चाहे जितनी टेंजेंट जब ड्रॉ कर सकता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पे इस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, x equal to 0 पे इस फंक्शन, ये फंक्शन क्या नहीं है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो x equal to 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल। और उसके अलावा ये हर जगह पे डिफरेंशिएबल है, लेकिन x equal to 0 पे ये क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मैं अगर बोलूं क्या fx equal to mod x डिफरेंशिएबल फंक्शन है, नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी डोमेन रख देते हो क्या, अगर इसकी डोमेन रख देते हो आप r-0, तब ये डिफरेंशिएबल हो सकता है। जैसे हम ग्राफ को कंटिन्यूस भी बनाते थे ना, हम वो पॉइंट्स निकाल लेते थे जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस है, तब ग्राफ क्या हो जाता था, कंटिन्यूस हो जाता था। अब ये वाला ग्राफ x बिलोंग्स टू r में कंटिन्यूस तो है, लेकिन डिफरेंशिएबल होने के लिए इसको जीरो वाला पॉइंट हटाना पड़ेगा, क्योंकि जीरो पॉइंट पे आप एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते तो उसकी यूनिक स्लोप नहीं आएगी तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बात समझ में आई, ये होती है बड़ा डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। जनरली डिफरेंशिएबिलिटी करती क्या है, आपने जैसे अपने व्हीकल जो भी चलाया होगा, आपने बाइक चलाई होगी, आपने कार चलाई होगी, उसमें जो स्पीडोमीटर होता है ना, स्पीडोमीटर इसी फिनोमिना पे बेस्ड है। कैसे, आप करते क्या हो, जनरली आप स्पीड काउंट कर लीजिए, क्या करते हो, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लो आप x1 से x2 डिस्टेंस पे गए, तो आप ऐसा करते हो ना, x2 - x1, टाइम कितना लगा, टी टाइम लगा, ये क्या हो जाता है आपका नॉर्मल स्पीड फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं टी की बहुत छोटी वैल्यू लूँ, कितनी छोटी वैल्यू लूँ, ये लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए अगर मैं निकालूँ कि स्पीड क्या है, तो उसे स्पीड नहीं, पहले तो हम उसको नाम क्या देते हैं, वेलोसिटी नाम देते हैं, ठीक है। फिर ये क्या बन जाता है, x2 - x1 अपॉन टी की बहुत ही छोटी वैल्यू है, टी की बहुत ही छोटी वैल्यू, इसको हम कैसे दिखाएंगे,
डेल्टा एक्स अपॉन टी, और लिमिट क्या है, टी टेंड्स टू जीरो, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो जब बहुत ही छोटी वैल्यू के लिए, टी की बहुत ही शॉर्टर वैल्यू, मतलब 0.000 समथिंग वैल्यू के लिए हम अगर स्पीड निकालते हैं, तो ये जो हमें देती है, ये देती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्योंकि जनरली आप क्या होता है कि जो आपका ऑडोमीटर होता है कार्स में, ऑडोमीटर आपको सडनली स्पीड दिखाता है। आप अगर एक्सीलेटर देते हो स्पीड बढ़ जाती है, फिर एक्सीलेटर से पैर हटाते हो स्पीड घट जाती है, ये ऐसा ही होता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको कौन बताता है, यही डिफरेंशियल इक्वेशन बताती है कि आपके एकदम शॉर्टर टाइम के लिए आपका जो टी है वो बहुत शॉर्ट कर दिया, तो आपको स्पीड बनेगी, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगी। सही बात है, ये फिनोमेना डिफरेंशिएबिलिटी में यूज होता है। अब हमारे यहाँ क्या काम आने वाला है, हम क्या करने वाले हैं, कोई भी फंक्शन रहेगा उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने वाले हैं कि पहली बात तो ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, और अगर डिफरेंशिएबल है तो एक बात तो ये क्लियर हो जाएगी कि वो कंटिन्यूअस भी होगा, दूसरी बात उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डेरिवेटिव क्या चीज़ है सर, डेरिवेटिव बेटा देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला है, हमने क्लास 11th में भी सीखा था कि एफ डैश एक किसी पॉइंट है सी, सी पे आपको क्या डेरिवेटिव निकालना है किसी भी फंक्शन का। फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो आप ये कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। इस फॉर्मूले से क्या आता है, डेरिवेटिव आता है, और हम क्या चेक कर सकते हैं, डेरिवेटिव चेक कर सकते हैं। जैसे कंटिन्यूटी चेक करते थे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करते थे, वैसे ही सेम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी चेक होता है। सही बात है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी चेक होता है, और फिर हम बताते हैं कि ये फंक्शन डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है या नहीं। ओके बेटा, अब सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन के छोटे मोटे जो फॉर्मूला हमने 11th में सीखे थे वो रिवाइज कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला था, देखो एक तो ये था कि अगर दो फंक्शन यू डॉट वी मल्टीप्लाई में है और इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सॉरी सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। और जनरली हम डिफरेंशिएशन को डैश से शो करते हैं कि यू का डिफरेंशिएशन यू डैश, वी का डिफरेंशिएशन वी डैश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यू वी का डिफरेंशिएशन वी डैश प्लस वी यू का डिफरेंशिएशन यू डैश, और ये हो क्या जाएगा, ये यू वी का होल डैश। ऐसे हम याद करते यू इंटू वी का होल डैश, मतलब दोनों फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है और आपको उसका निकालना है डैश, तो ये हो जाता था यू इंटू वी डैश प्लस वी इंटू यू डैश। ये तो हो जाता था लेबनिट्स का मल्टीप्लाई वाला, है ना। अब मल्टीप्लाई के अलावा अगर वो अपॉन में हो, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी हो, इस टाइप में हो, तो क्या होता है, नीचे आ जाता है वी स्क्वायर, v एज इट इज यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा u डैश माइनस इस बार कौन एज इट इज रह जाएगा u और v डैश। यहाँ पे u और v है क्या, u और v क्या है, u और v डिफरेंशिएबल फंक्शंस है, है ना। u एंड v हियर, u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन, रेस्पेक्टिव डोमेन। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जनरली ये दोनों फॉर्मूले लगा के हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में या फिर दो फंक्शन एक दूसरे के अपॉन में। अब ये तो बात हो गई मल्टीप्लाई डिवाइड की, उसके अलावा हमने दस पंद्रह फॉर्मूले और भी देखे थे। क्या क्या देखे थे, देखो कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है, और हमने सीखा था कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, साइन एक्स हो जाता है, कौन सा वाला माइनस का। फिर साइन कॉस के बाद में टेन एक्स का डिफरेंशिएशन देखा था, वो क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। फिर हमने देखा था कोट एक्स का, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर कोट के बाद में सेक ले लेते हैं, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और फिर लास्ट में कौन बच गया, कोसेक एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, वरना आप अभी ही अभी याद कर सकते हो। इसके अलावा जो लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है वन बाई एक्स। इसके अलावा जो ए की पावर एक्स होता है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, याद आ रहा है बेटा। फिर ई की पावर एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ ई की पावर एक्स रहता है, सबसे अच्छा फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन कर लो। और फर्दर हम इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे, तो वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों e की पावर x का e की पावर x ही हो जाता है। ये जनरली फॉर्मूला है। इसके अलावा एक दो और अगर मैं बात करना चाहूँ
तो रूट एक्स जो होता है इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/2 रूट एक्स। और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट जिससे ये आया है वो है एक्स की पावर एन, अगर आपके पास है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है एन एक्स की पावर एन माइनस। एक तरह से एन आगे आता है फिर एक्स की पावर में से एक कम कर देता है। ओके बेटा, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले थे। ये फॉर्मूले हमारे रैपिडली काम आने वाले है ना, मेन जो काम आने वाले वो आने वाले चेन रूल में। चेन रूल क्या होता है देखो, चेन रूल एक नया वर्ड आया है ना, चेन रूल से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये एक बार फटाफट आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले अप्लाई होने वाले हैं। इसके अलावा जो पीछे वाले दो फॉर्मूले थे यू डॉट वी वाला और यू बाई वी वाला, यहाँ पे यू बाई वी का डायरेक्ट लिखा जाता हूँ यू बाई वी का होल डैश, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा फॉर्मूले थे अपने पास। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और हम हेडिंग डालो चेन रूल। चेन रूल बेटा, आपने कंपोजिट फंक्शन के बारे में सुना होगा, कल हमने डिस्कस भी करा था कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं। ऐसे फंक्शंस जो गोफ हॉग या फॉग, ऐसे फंक्शंस होते हैं जो एक या एक से अधिक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा फंक्शन से मिलके बने हुए होते हैं। जैसे कि अगर मैंने लिखा साइन रूट एक्स, तो मुझे यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक तो है साइन एक्स एक है रूट एक्स, है ना। तो इनमें जनरली क्या होता है, सबसे पहले जो सबसे बाहर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन होगा, फिर अंदर वाले फंक्शन का होगा, है ना। तो पहले होगा साइन एक्स का, इसको मैं क्या कंसिडर करूंगा, एक तरह से टी कंसिडर कर लूंगा। तो अगर मैं इसको टी कंसिडर करता हूँ, किसको टी कंसिडर करता हूँ, रूट एक्स को। तो अगर ये क्या बन गया, फिर साइन टी बन गया। अब साइन टी का किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टी मेरे को करना था इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ इसका। मैंने टी को रूट एक्स कंसिडर करा, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, साइन टी का तो हो जाएगा कॉस टी, और अब टी का होगा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, वो क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। हमें पता है टी की वैल्यू है क्या, टी की वैल्यू है क्या, पुट कर देते हैं, तो टी की वैल्यू यहां तो आ गई रूट एक्स, और यहां आ गई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ऐसे होता है। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, कॉस के अंदर है रूट एक्स और मल्टीप्लाई में अलग से लिखा हुआ है 1/2 रूट एक्स, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ये होता है चेन रूल को अप्लाई करना, 1/1 फंक्शन, है ना। सबसे पहले बाहर वाले में अप्लाई करेंगे फिर अंदर वाले में। इसको मैं डायरेक्ट भी तो लिख सकता था, डायरेक्ट क्या, सबसे पहले साइन रूट एक्स है तो साइन रूट एक्स का हो जाएगा क्या, कॉस रूट एक्स, मतलब साइन क्या कर दिया मैंने, अब किसका करना है, रूट एक्स करना है, रूट एक्स का हो जाता है 1/2 रूट एक्स, ये फाइनल आंसर डायरेक्ट आ गया। तो यही चेन रूल है, आपको यहां से पूरा करने की बजाय डायरेक्टली पहुंचना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल, जैसे कि मेरे पास है टेन स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, सिंपल सिंपल ले रहे हैं, टेन स्क्वायर रूट एक्स का क्या करना है हमें, डिफरेंशिएशन करना। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना था साइन रूट एक्स का, टेन स्क्वायर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। और एक और बात याद रखना, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। देखो पीछे और भी फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो मैं थोड़े बहुत और फॉर्मूला बना सकता हूँ, क्या d बाई डी एक्स ऑफ x क्या हो जाएगा, 1। इसी फॉर्मूले से आया ये, देखो 1 आगे आएगा फिर x की पावर 1-1 वो कि 0 हो जाएगा, तो किसी की भी पावर 0 आंसर क्या होता है, 1। तो x d बाई डी एक्स ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और निकालना चाहूँ तो मैं जनरली ये भी लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x हो जाएगा -1/x2। आप चाहे तो अप्लाई भी कर सकते हो, ये जब ऊपर आएगा तो क्या होगा, x की पावर -1, तो मतलब -1 आगे आएगा, फिर x की पावर -1 और -1, तो x -1 इंटू एक्स की पावर -2, तो -1/x2। ठीक है, चलो इसको करते हैं टेन स्क्वायर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन। सबसे पहले किसका होगा, देखो सबसे बाहर जो फंक्शन है वो है 2, सबसे बाहर जो फंक्शन है ये पावर 2 है, है ना। तो सबसे पहले पावर का करते हैं, पावर का करते हैं तो पावर आगे आएगी और क्या होगा, पावर में से एक माइनस होगा, पावर में से एक माइनस हुआ तो 1 बचा। अब होगा टेन रूट एक्स का, टेन रूट एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का जो होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये हो जाएगा टेन रूट एक्स का सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब होगा रूट एक्स का, सही है, 1/1 चल रहे हैं बाहर से अंदर की तरफ, तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। ध्यान रखना ये अलग है ये अलग है, इनको आपस में मल्टीप्लाई मत कर देना, मतलब रूट एक्स को 1/2 रूट एक्स से मल्टीप्लाई मत कर देना, वैसे तो सारे के सारे आपस में मल्टीप्लाई में। तो देखो ये 2 से ये 2 चला जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1/√x
टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके पास है साइन एक्स अपॉन कॉस रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना। सबसे पहले बात ये ध्यान रखना कि इसको टेन रूट एक्स कोई नहीं लिखेगा, कि एक्स से रूट एक्स कट कर दिया, ये फालतू के काम नहीं करने हैं। क्या दिख रहा है, यू बाई वी लगेगा, यू बाई वी लगेगा तो यू बाई वी लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, वी का स्क्वायर, तो कॉस रूट एक्स का स्क्वायर, तो कॉस रूट एक्स का होल स्क्वायर। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा बड़ा बनेगा ये, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा कॉस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब v सेम रहता है तो कॉस रूट एक्स एज इट इज रह गया, तो ये लो कॉस रूट एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो यहाँ पे आ गया कॉस एक्स। बीच में माइनस का साइन आता है, फॉर्मूला याद है अपने को। अब कौन सेम रहेगा, साइन एक्स सेम रहेगा, साइन एक्स एज इट इज रहेगा, ये लो। अब किसका होगा, कॉस रूट एक्स का, कॉस रूट एक्स का क्या होता है, सबसे पहले तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, तो ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन रूट एक्स। अब किसका होगा, अब होगा रूट एक्स का, और रूट एक्स का क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स, हो जाएगा वन अपॉन टू। ऐसे बेटा चेन रूल अप्लाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे, ठीक है। अब जो भी सिंप्लीफाई करके आराम से आप आंसर अपना लिख सकते हैं। तो इसी पे बेस्ड है, चेन रूल पे ही बेस्ड है अपना कौन सी एक्सरसाइज, 5.2। तो 5.2 के क्वेश्चंस लेते हैं बेटा, देखो ये लिख लिया होगा, जिसने नहीं लिखा वो फटाफट लिख सकता है, फिर हम आगे चलते हैं। देखो फटाफट फटाफट 5.2 खत्म करेंगे, बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, ये लिख लो एक बार फटाफट। लिख लिया होगा, आप देखो नेक्स्ट पेज, देखो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, साइन स्क्वायर, सॉरी सिर्फ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं साथ में, कॉस ऑफ साइन एक्स दे रखा है। थर्ड दे रखा है साइन ए एक्स प्लस बी, और फोर्थ दे रखा है sec ऑफ टेन रूट एक्स। सबसे पहले ये चारों क्वेश्चंस देखते हैं। देखो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 दो तीन तरीके से कर सकते हैं, या तो मैं ऐसा करूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 को मैं बोल दूं टी, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को टी बोल दिया, तो ये क्या बन गया मेरे पास फंक्शन, वाई इक्वल टू क्या बन गया, साइन टी बन गया, क्या सही बात है। इसका मेरे को निकालना है डैश, तो नेक्स्ट स्टेप में वाई डैश क्या हो जाएगा, साइन टी का क्या होता है कॉस टी, और साथ में क्या आएगा डी टी बाई डी एक्स, साथ में क्या आएगा टी का होगा डी टी बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इसका मैं रिस्पेक्ट अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करूँ, देखो वैल्यू डाल देता हूँ, ये आ गया कॉस टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी टी बाई डी एक्स, टी का एक्स के रिस्पेक्ट में, टी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, तो हो जाएगा 2x। और जो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, आपको क्या याद रखना है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है अगर कांस्टेंट अकेला आ रहा है तो, अगर कांस्टेंट किसी के साथ है तो वो एज इट इज रहता है, और कांस्टेंट अगर अकेला आ रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। तो यही आपका आंसर बन जाएगा, फाइनल आंसर क्या लिखोगे, 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो ये आंसर डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं, कैसे, सबसे पहले साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो इसका हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का मल्टीप्लाई में 2x। यहाँ देख लो, यहाँ भी एक बार हम डायरेक्ट करने का ट्राई करते हैं, भाई कॉस एक तरह से x है तो डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं y लेट कर लेता हूँ, हम निकालना है मेरे को y डैश निकालना, डैश मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो सबसे पहले दिख रहा है मेरे को बाहरी बार कॉस, कॉस दिख रहा है तो कॉस का होता है साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स, तो हो जाएगा माइनस का साइन एक्स की जगह साइन एक्स है तो लिख दो साइन एक्स। अब किसका होगा मल्टीप्लाई में, अंदर जो बैठा है साइन एक्स का, और साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, ये आ गया। एक बात ध्यान रखना, ये साइन और साइन को मिला के साइन स्क्वायर मत कर देना, ये इसके अंदर का एक्स का एक्स वाला पार्ट है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स डॉट साइन ऑफ साइन एक्स,
ये हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे ये वाला देख लो, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी में सबसे पहले साइन का हो जाएगा कॉस, तो हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, इसको वाई लेट कर रहा हूँ और वाई डैश की वैल्यू नीचे रख ली, हो जाएगा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी का होगा, और एक्स प्लस बी का देखो, एक्स प्लस बी का क्या होगा, एक्स का होता है वन, कॉन्स्टेंट साथ में मल्टीप्लाई में है तो ए इंटू वन विच इज ए, बी क्या है कॉन्स्टेंट है और अकेला है तो अकेले वाले कॉन्स्टेंट का जीरो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए तो आ जाएगा साथ, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। क्या करा है देखो, इसको एक बार वापस देख लो, डी बाई डी एक्स किसका, ए एक्स प्लस बी का, तो एक तरह से ऐसे अप्लाई होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, ये अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल है, अभी थोड़ी देर में ये भी डिस्कस कर लूंगा। सिंपली ये है कि ये इस पे भी अप्लाई हो जाएगा और इस पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ए तो बाहर आ जाता है, ए तो बाहर आ जाता है, क्यों कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे बी भी बाहर आ जाएगा, क्यों ये भी कॉन्स्टेंट है, और यहाँ क्या बचेगा बी बाहर आएगा तो वन बचेगा। देखो ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, मैंने देखा था एक्स का क्या होता है वन होता है, ये आ गया वन, प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ वन, कॉन्स्टेंट का क्या होता है जीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा, फाइनल आंसर ए इंटू वन ए, यहाँ पे जीरो, तो आंसर क्या आएगा ए, यही मैंने लिखा है। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन सिर्फ एक सिंपल से स्टेप में हो जाती कि ए एक्स प्लस बी का क्या होता है ए, क्योंकि एक्स का वन हो गया, वन का ए के साथ मल्टीप्लाई वन, और बी का तो सीधा जीरो। अब देखो सेक ऑफ टेन रूट एक्स, इसको मैं करता हूँ टी वाले रेस्पेक्ट में, मान के क्या करता हूँ, सबसे पहले टेन रूट एक्स को मान लेता हूँ मैं टी, और फर्दर और मान लेते हैं रूट एक्स को मान लेता हूँ मैं, चलो एम मान लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले टेन रूट एक्स टी माना है, तो ये हो जाएगा देखो सेक टी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू हो जाएगा सेक टी। अब यहां से मैं वाई डैश निकालूंगा, वाई डैश निकालूंगा तो क्या हो जाएगा सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक टी इंटू टेन टी हो गया, और साथ में टी क्या कर रहा हूँ किसके एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी टी बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू रखूंगा, टी की वैल्यू रखी तो ये हो गया क्या सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट, और रूट एक्स को क्या लिखा है मैंने एम, तो टेन एम लिख लेते हैं, डॉट टेन, टेन के अंदर भी क्या टेन एम, क्योंकि अभी तक हमने रूट एक्स को भी तो एम माना है, और साथ में यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स, टी का कर दो, टी का किसका इसका टेन रूट एक्स का, टेन रूट एक्स का करो तो टेन एम बन गया ये एक तरह से, क्योंकि रूट एक्स को तो हमने एम ले रखा है, तो टेन एम का करना है, टेन एम का करना है एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, टेन एम का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एम, हो जाएगा सेक स्क्वायर एम, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और फिर किसका होगा एम का होगा, ये हो जाएगा डी एम बाई डी एक्स, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में वाई डैश क्या हो जाएगा, सेक ऑफ टेन एम, टेन ऑफ टेन एम, साथ में सेक स्क्वायर एम, और एम है क्या रूट एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, रूट एक्स का क्या होता है वन बाई टू रूट एक्स, हमने पढ़ा था वन बाई टू। अब m की वैल्यू डाल दो हर जगह, ये हो जाएगा sec of tan root x, tan of tan root x, साथ में मल्टीप्लाई में sec square root x, और ये 1 by 2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये कौन से रेस्पेक्ट में, जो NCERT में दे रखा है ना तुम्हारे मेन मेथड दे रखा है t लेट करके, फिर अंदर वाले फंक्शन को m लेट करके, है ना, तो इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट देखो ना sec root x है, sec of tan root x है, सबसे पहले sec x का होगा क्या sec x tan x, तो देखो sec x, x की जगह tan root x था, फिर tan x, x की जगह tan root x था, तो देखो sec x का हो गया sec x और tan x, फिर किसका होगा इस अंदर वाले का होगा tan root x का, तो tan x का क्या होता है sec square x, तो sec square x की जगह root x था, तो ये लो root x, फिर किसका होगा root x का होगा, तो ये 1 by 2 root x, ऐसे चेन रूल अप्लाई होगा। तो ये क्वेश्चन थे हमारे 1 से 4 तक, अब हम आगे चलते हैं, आराम से लिख लो समझ लो।
अब देखो क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव है अपने पास, साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर छह ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स है कॉस एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव। ये दोनों क्वेश्चन करते हैं, कॉस के अंदर है एक्स क्यूब, ठीक है। सबसे पहले इसको देखो, क्या यू बाई वी लगेगा? सर बिल्कुल लगेगा। तो सबसे पहले इसका डैश करना है कंप्लीट का, तो क्या होगा? सबसे पहले v का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर हो गया, पता ना। यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, चाहे पूरे होल का स्क्वायर लगा दो, एक ही बात होती। तो cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, अब cos सी एक्स प्लस डी तो एज इट इज रहेगा, तो cos अंदर सी एक्स प्लस डी तो एज इट इज रहेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन होगा इसका ऊपर वाले का, साइन एक्स का क्या होता है cos x, तो cos ए एक्स प्लस बी हो गया। अब ए एक्स प्लस बी का होगा, ए एक्स प्लस बी का हमने थोड़ी देर पहले देखा था क्या होता है, ए लिख दिया, माइनस का साइन। इस बार साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज रहेगा, तो साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज रहा। इसका डिफरेंशिएशन होगा वी का, वी क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी, तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन, माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का होगा वो क्या होगा सी, ये हो गया सी। अब इसको वापस थोड़ा सा मैं जमा के लिखूं, जो जगह ए आगे ले आता हूँ, तो ए इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, साथ में क्या है कॉस ए एक्स प्लस बी, माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साथ में क्या है सी, और यहाँ पे क्या बच गया साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और नीचे अपॉन में क्या है, अपॉन में है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस। ये आपका फॉर्मूला लग गया यू बाई वी का, यही आंसर लिख। अगर ए और सी नहीं आता तो मैं क्या कोस ए कोस बी और साइन ए साइन बी का फॉर्मूला एक बनता है जो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं वो लगा सकता था, लेकिन ए और सी मल्टीप्लाई में तो वो रहने देता। बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो, एक तरह से ये यू डॉट वी लग रहा है ना, इसको यू लेट कर लेते हैं, इसको वी लेट कर लेते हैं, इसको और कंप्लीट को वाई लेट कर लेते हैं, तो वाई डैश क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, यू एज इट इज रहता है तो यू एज इट इज रख लेते हैं, तो कॉस एक्स क्यूब एज इट इज रख दिया। इसका डिफरेंशिएशन v का डिफरेंशिएशन, v का क्या होगा, सबसे पहले क्या है साइन स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर का होगा, स्क्वायर आगे आता है तो हो जाएगा टू साइन एक्स की पावर फाइव, स्क्वायर का हुआ है अभी तक है ना, स्क्वायर के बाद में किसका करना है साइन का करना है, साइन एक्स की पावर फाइव का करना है, साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस एक्स की पावर फाइव। अब किसका होना है एक्स की पावर फाइव का, तो एक्स की पावर फाइव का क्या हो जाएगा, मैं इसको जूम आउट कर देते हैं थोड़ा सा, कॉस एक्स की पावर फाइव का क्या हो जाएगा फाइव इंटू एक्स की पावर फोर, भाई पावर आ गया ही और एक पावर कम हो गई, तो ये तो किसका हो गया यू इंटू वी डैश, बीच में साइन किसका लगता है प्लस का। अब क्या होगा ये एग्जिट इज रहेगा कौन सा साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव, तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव एग्जिट इज रह गया। किसका होगा कॉस एक्स क्यूब का, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस का साइन हो गया एक्स क्यूब। अब किसका होना है, अब होगा एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का पावर आ गया एक पावर कम थ्री एक्स, तो ये आपके पास इसका वाई डैश निकल गया। तो इसको थोड़ा सा और जनरलाइज टर्म में लिखूं, देखो फाइव इंटू टू हो गया टेन, फिर सबको लिख देता हूँ ये हो जाएगा क्या फाइव इंटू टू टेन हो गया, ये हो गया कॉस एक्स क्यूब और हो गया साइन एक्स की पावर फाइव और साथ में हो गया कॉस एक्स की पावर और साथ में x की पावर 4 आगे लिख देता हूँ प्लस, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस इंटू माइनस माइनस हो रहा है, तो ये हो गया माइनस और 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 मल्टीप्लाई में साइन x की पावर 3, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर था आपका सिक्स, उतार लो आराम से समझ लो। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ और एट देखते हैं बेटा, सेवन्थ और एट्थ तार लिया होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन देखो क्या दर, सेवन्थ क्वेश्चन दर का टू टाइम्स अंडर रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर, और एक एट्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। एट्थ क्वेश्चन है आपके पास कॉस रूट एक्स,
बहुत इजी सा है, कॉस रूट एक्स। देखो ध्यान से फटाफट कर लेंगे इन दोनों को, है ना भाई। सबसे पहले देखो कौन, इसको वाई लेट करा, इसको भी वाई लेट कर। अब वाई डैश निकालना है, देखो टू तो कॉन्स्टेंट है, इधर जाएगा। अब सबसे बाहर दिख रहा है मेरे को रूट एक्स, रूट एक्स का होगा वन बाई टू रूट एक्स, तो वन अपॉन टू रूट में जो भी आ रहा है लिख दो। अब किसका होगा, कॉट एक्स का। कॉट का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट में माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर लिख दो। अब एक्स स्क्वायर का होगा विच इज टू एक्स, देखो इस टू से ये टू कट गया, क्या बन गया माइनस का कोसेक स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर, साथ में है टू एक्स, नीचे है अंडर रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर। इस वाले एक्स स्क्वायर से अंडर रूट मत हटा देना, फंक्शन पे नहीं है ये इसके फंक्शन के अंदर जो क्वांटिटी उस पे स्क्वायर है। अगर कॉट स्क्वायर होता तब तो मैं हटा देता, लेकिन ये जनरली डायरेक्ट ये वाला कट नहीं होगा। ये क्वेश्चन था सेवंथ, एट्थ क्वेश्चन था। एट्थ क्वेश्चन बहुत ईजी है, डायरेक्टली वाई डैश निकाल रहा हूँ। कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का क्या हो जाएगा, वन बाई टू रूट एक्स। फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस का साइन रूट एक्स अपॉन टू रूट एक्स, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर था एट। अब देखो नाइन्थ और टेंथ क्वेश्चन, नाइन्थ और टेंथ क्वेश्चन में आपको अलग अलग चीजें दे रखी है। एक तो दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, एक्स बिलोंग्स टू आर, इट्स नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू वन, याद रखिए। हाँ बेटा, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या बोल रखा है आपको, आपको एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है आपको क्या, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ये दे रखा है आपको। क्वेश्चन ने और क्या बोला है कि प्रूव दैट, प्रूव दैट एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल, नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू वन, ये आपको प्रूफ करने के लिए बोला। तो सिंपली क्या करना है भाई, डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं उसके लिए देखो ये रहा फॉर्मूला। किसी भी पॉइंट सी पे आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है तो हो जाता है एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है। आपको यहाँ पे किस पे चेक करना है, वन पे। देखो वन पे चेक करने से पहले मॉड्यूलस जो फंक्शन है इसको रीडिफाइन करना है। रीडिफाइन कैसे करते हैं, देखो इसी फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, रीडिफाइन कर रहे हैं। क्या हो जाएगा देखो, ये ऐसे लिखा जाएगा एफ एक्स इक्वल टू, देखो एक्स माइनस वन है, एक्स माइनस वन को हमेशा क्या आना पड़ेगा, जब मॉड्यूलस लगाया हुआ है तो हमेशा ये क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। मतलब एक्स माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट आया या फिर जो टर्निंग पॉइंट आया कर्व का, वो क्या आया, एक्स इक्वल टू वन। मतलब अगर एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा तब तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x माइनस वन, और अगर x की वैल्यू लेस देन वन हो गई तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ x माइनस, ताकि क्या हो जाए, हमेशा हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले, ठीक है। ये हमने रीडिफाइन कर दिया। अब किस पे चेक करना है, वन पे चेक करना है, वो फॉर्मूला यूज करता हूँ मैं, एफ डैश वन क्या हो जाएगा, देखो वहां पे क्या लिखा हुआ, लिमिट x टेंड्स टू वन फिर एफ ऑफ x, एफ ऑफ x मतलब एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ c, यहाँ पे तो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस, इसमें किसी को दिक्कत। क्या करा है मैंने, ये जो डिफरेंशियबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है ना, कि एफ डैश सी, सी पे आपको क्या चाहिए, डिफरेंशियबिलिटी चाहिए, किसका फंक्शन एफ एक्स की, तो ये हो जाता है एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब मैंने क्या करा, एक्स की जगह तो एक्स पुट कर दिया, सी की जगह वन पुट कर दिया, और नीचे भी क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन आ जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म क्या करता हूँ मैं, वन नेगेटिव पे चेक करना है ना, एक बार वन पॉजिटिव पे चेक करना है। मतलब एक तो होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए यहाँ पे क्या करूंगा मैं, एफ डैश वन इक्वल टू लिमिट, देखो एक्स टेंड्स टू वन है तो सबसे पहले मैं किसके लिए चेक कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो एक्स टेंड्स टू वन नेगेटिव, ठीक है। और ये एज इट इज लिख दूंगा क्या, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करूंगा, एफ डैश वन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू वन पॉजिटिव एफ एक्स माइनस का एफ ऑफ वन डिवाइडेड में एक्स माइनस, ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, मेथड ऑफ एच लगाना है। तो देखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स में कुछ पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा, वन माइनस एच पुट करूंगा। यहां पे एफ ऑफ वन तो ऑलरेडी है तो एफ ऑफ वन की वैल्यू लिख दो चाहे, या एक बार एफ ऑफ वन ही लिख दो, डिवाइडेड में एक्स की जगह वन माइनस एच, वन माइनस एच माइनस, ठीक है।
फंक्शन में वैल्यू डालते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। मुझे बताओ वन माइनस एच, वन माइनस एच मतलब वन से थोड़ा सा छोटा, इस वाले डिफरेंशियल को प्रीफर करेगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, सही बात है। तो माइनस ऑफ एक्स की जगह डालूंगा मैं वन माइनस एच, और फिर माइनस वन ऑलरेडी है, ठीक। फिर एफ ऑफ वन कौन सी डेफिनेशन फॉलो होगी, वन पे एक्स माइनस वन वाली, क्या हो जाएगी वन माइनस वन। नीचे देखो ऑलरेडी वन से वन कट आउट हो चुका है, माइनस का एच आ चुका है, यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर वन से वन कट आउट हो जाएगा, सही बात है। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, ये माइनस एच और ये माइनस एच क्या मिलके क्या बन जाएगा, दोनों के दोनों माइनस एच होके प्लस एच, नीचे ऑलरेडी माइनस एच है, आंसर क्या आ जाएगा माइनस का वन। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई माइनस का वन, राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है। तो देखो इसमें भी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन वन प्लस एच माइनस का वन, क्लियर है बात। अब वन प्लस एच कौन सी डेफिनेशन फॉलो होगी, ऊपर वाली एक्स माइनस वन वाली। तो देखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कौन सी डेफिनेशन फॉलो हो रही है, ऊपर वाली एक्स माइनस वन, तो एक्स की जगह तो वन प्लस एच और माइनस वन। एफ ऑफ वन की वैल्यू देख लो, वन माइनस वन कितना जीरो, इसको डायरेक्टली जीरो लिख देता हूँ, नीचे वन से वन कट आउट हो गया, बचा एच। यहाँ पे भी ये वन से वन गया, क्या आया एच बाई एच, एच बाई एच क्या हो जाएगा वन, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा वन। देखो ध्यान से, यहाँ पे आंसर आ रहा है माइनस वन, यहाँ पे आंसर आ रहा है वन। किसी भी फंक्शन को डेरिवेटिव होने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, लेकिन आपके यहाँ पे अलग अलग आ रही है माइनस वन और वन, इसलिए ये दोनों क्या नहीं होंगे भाई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आया, तो आपने क्या लिखा एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी। सो फंक्शन एफएक्स, एफएक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। आप चाहे तो क्या कर सकते हो, इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा तो कुछ इस टाइप का होता है ग्राफ इसका, आपने पहले भी ग्राफ बनाना सीखा था 1,0, आप खुद देख सकते हो ये कंटिन्यूस हर जगह है ना, डिफरेंशिएबल सिर्फ वन पे नहीं है, एक्स इक्वल टू वन पे डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है डिफरेंशिएबल वन पे, आप जब वन पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आपको बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, देखो इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, इसलिए क्या यूनिक डीवाई बाई डी एक्स का होना पॉसिबल है, क्या यूनिक डेरिवेटिव का होना पॉसिबल है, वो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इस पॉइंट पे क्या नहीं है, ये फंक्शन डेरिवेटिव नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या क्या वैल्यू दे रहा है, अलग अलग वैल्यू दे रहा है, एक बार नेगेटिव दे रहा है एक बार पॉजिटिव दे रहा है, इसीलिए आप क्या बोलोगे दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, एक बार फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 पे आपको दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करी थी हमने, तो देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 10 दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स। जी आई एफ ऑफ एक्स पहले भी बात कर चुके हैं इसकी, ठीक है, और आपको क्या बोल रहा है कि ये एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू टू पे क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, ये प्रूफ करना है, नॉट डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है x इक्वल टू वन और x इक्वल टू टू पे। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ क्या सबको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ याद आ रहा है, कुछ इस टाइप का होता था, इस टाइप का, इस टाइप का होता था क्या, ये ग्राफ कंटिन्यूस होता था क्या, नहीं होता था, लेकिन मैंने उस टाइम भी बात करी थी ये इंटीजर वैल्यू मतलब ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है ना इस पे कंटिन्यूस नहीं होता, लेकिन अगर नॉन इंटीजर वैल्यू है जो बीच वाली वैल्यू है इन पे कंटिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, तो आपको चेक करनी इसकी डिफरेंशिएबिलिटी x इक्वल टू वन और x इक्वल टू टू पे, किसी भी एक पे चेक कर लेते हैं दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो देखो x इक्वल टू टू पे चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू टू पे चेक करना है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, वही सेम मेथड अप्लाई करूंगा मैं क्या, लिमिट इस पे चेक करना है, एफ डैश टू पे चेक करना है, लिमिट एक्स टेंस टू टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, वही फॉर्मूला है सेम। अब इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए भी काम में लेना है और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए भी काम में लेना है। देखो एक तो हो जाएगा एल एच डी, एक हो जाएगा आर एच। एल एच डी में क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू टू नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, सी की जगह मैं काम करता हूँ क्या डाल देता हूँ, टू अपॉन
एक्स माइनस सी तो एक्स माइनस टू डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एच वाला फॉर्मूला एच टेंड्स टू जीरो हो गया, यहाँ पे क्या बना एफ ऑफ टू माइनस एच माइनस एफ ऑफ टू डिवाइडेड बाई टू माइनस एच माइनस टू। ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए मैं अगर सॉल्व करना स्टार्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ये हो जाएगा यहाँ पे क्या एफ ऑफ टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू डिवाइडेड बाई टू प्लस एच और माइनस का टू। देखो साथ साथ लेके चल रहे हैं, याद भी हो जाएगा आपको, है ना। अब देखो ध्यान से, टू माइनस एच, मैं एक काम करता हूँ फंक्शन में वैल्यू रख देता हूँ एज इट इज, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ टू माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ टू। नीचे देखो टू से टू कट आउट हो गया माइनस एच आके, इधर भी क्या हुआ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, टू प्लस एच को रख दिया फंक्शन में, यही हमारे पास फंक्शन है, टू को भी रख दिया, नीचे टू से टू गायब हो गया आ गया एच, ठीक है बात। अब मेरे को एक बात बताओ, टू में से कोई छोटी सी क्वांटिटी में माइनस कर, है ना, मान लेते हैं एच की वैल्यू बहुत छोटी है, लेकिन ऐसे मान लेते हैं 0.00001। अब आपने अगर टू में से माइनस करा 0.0001, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ये 1.9999 मिलेगा। और इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया तो हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है, हाईएस्ट इंटीजर जो भी है ना इंटीजर वैल्यू देता है, तो इंटीजर वैल्यू ये फ्रैक्शन पार्ट को हटा दो, क्या देगा, वन देगा, क्या वन देगा भाई, 1.999 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, वन। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पे क्या मिला मेरे को, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये मेरे को मिला वन, यहाँ पे मिला भाई इंटीजर का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन खुद ही होता है तो माइनस टू अपॉन माइनस का एच, क्या मिला माइनस का वन बाई माइनस का एच, है ना, तो क्या हो गया वन बाई एच, तो लिमिट क्या आ गया एच टेंड्स टू जीरो वन बाई एच। एच की वैल्यू अगर जीरो डाली तो मेरे पास आंसर क्या आया, इन्फिनिट, सही बात है। इधर चेक करते हैं, टू प्लस एच, टू में कोई छोटी सी वैल्यू ऐड कर दो, टू प्लस 0.0001 ऐड करा तो क्या मिला 2.0001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका आंसर क्या आएगा, टू ही आएगा क्या बेटा, 2.1 का 2.2 2.3 2.9 तक अगर मैं चला जाऊं तो मेरे को उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो टू ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को आंसर क्या मिला, एस टेंड्स टू जीरो, इसका आंसर मिला टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ टू तो टू होता ही है बाई एच, टू माइनस टू हो गया जीरो, यहाँ से मेरे को आंसर क्या मिला, जीरो। देखो यहाँ से आंसर मिल रहा है इन्फिनिटी, यहाँ से मिल रहा आंसर जीरो, तो क्या हुआ एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आप क्या बोलोगे, एक्स इक्वल टू टू पे ये फंक्शन क्या नहीं है, डिफरेंशियबल नहीं। आप खुद देख सकते हो ग्राफ में, अगर यहाँ पे मैं एक्स इक्वल टू टू मानूँ, देखो यहाँ पे कितनी सारी मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, कोई यूनिक टेंजेंट नहीं है, कोई यूनिक टेंजेंट नहीं है, तो आपका ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशियबल भी नहीं, ठीक है बेटा। तो ये बात थी आपकी क्वेश्चन नंबर 9th और 10th की, समझ में आ गया होगा। एक्स इक्वल टू वन पे भी सेम इसी टाइप से हो जाएगा और उस पर भी नॉट डिफरेंशियबल ही आएगा। तो बेटा 9th और 10th की बात हो गई, हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट सेशन में 5.3 की थ्योरी और 5.3 के क्वेश्चंस करेंगे, ओके बेटा, चलो थैंक यू।